हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं जयप्रकाश चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पैसिव और एक्टिव सैटेलाइट में डिफरेंस को समझेंगे। सैटेलाइट का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार रिपीटेड है एग्जाम में। इसको बारीकी समझेंगे, एक पॉइंट को समझेंगे। आइए, जैसा मैंने लिखने से बचने के लिए पहले ही लिख दिया है व्हाइट बोर्ड पर, आइए चीज़ों को समझते हैं एक एक पॉइंट को। लेकिन सबसे पहला पॉइंट ये है कि यह जो पैसिव सैटेलाइट की बात करें, निष्क्रिय सैटेलाइट, पैसिव मतलब निष्क्रिय होता है, निष्क्रिय सैटेलाइट की बात करें तो यह क्या करता है, यह केवल परावर्तक की भांति कार्य करता है। केवल परावर्तक। अब परावर्तक क्या है भाई, देखिए जैसे हमारी सैटेलाइट है, यही मैं बना देता हूं, ये हमारा अर्थ है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, सही से बनाते हैं। मान लेते हैं ये अर्थ एकदम सर्कल है हमारा, हालांकि है नहीं। अर्थ का आकार ऊपर से चपटा होता है और लगभग मतलब मान लीजिए वृत्ताकार होता है, ऊपर से चपटा होता है, संतरे जैसा होता है। इसे लद्भज कहते हैं या जीवाइड शेप कहा जाता है। ये हमारी धरती है, पृथ्वी और जीवाइड शेप। इसमें क्या है, जो सैटेलाइट होते हैं, सैटेलाइट को ये हमारा एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, सॉरी दीर्घवृत्ताकार कक्षा है। हम इसमें अपने सैटेलाइट को मान लीजिए स्थापित करते हैं, ये हमारी सैटेलाइट है, ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, मान लेते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है। देखिए जो ऑर्बिट होता है, कुछ लोगों को भ्रम होता है कि इसी तरीके से हम अपने सैटेलाइट को स्थापित करते हैं तो दीर्घवृत्ताकार कक्षा, ऐसा नहीं है। हम अपने सैटेलाइट को ये देखिए, ये जैसे ये पोलर कक्षा होता है, इसे इस तरह के जो अर्थ के चारों तरफ और ऊपर से नीचे तक एक ऑर्बिट होता है, इसमें हम सैटेलाइट को स्थापित करते हैं, इसे पोलर सर्कुलर सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है। और एक इस तरीके से होता है, ये हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं, इसमें भी हम सैटेलाइट को स्थापित करते हैं, ठीक है। ये लगभग ये जो हाईली इंक्लाइंड है, ये ऑर्बिट, ये अर्थ के चारों तरफ हाईली इंक्लाइंड है, ये विषुवत रेखा, आप जानते हैं इक्वेटर जिसे कहा जाता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड पे होता है इक्वेटर, इससे लगभग 63 डिग्री का कोण बनाते हुए अर्थ को ये ऑर्बिट क्रॉस करता है। हम इस ऑर्बिट में भी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, मतलब आवश्यकता अनुसार, जरूरी नहीं। जैसे हम यदि कम्युनिकेशन सैटेलाइट की बात करें तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट को हम लोग सदैव जियो स्टेशनरी पर जो है स्थापित करते हैं, लेकिन यदि हम अन्य की बात करें तो ये जो है हाईली इलिप्टिकल वाले में पोलर सैटेलाइट में भी स्थापित करते हैं। मैक्सिमम उपग्रह तो इस पोलर में स्थापित किया जाता है, जो 918 किलोमीटर धरती के ऊपर से गुजरता है। जितने भी जो है सैटेलाइट, लगभग सैटेलाइट को 918 किलोमीटर पर इस पोलर ऑर्बिट से, पोलर ऑर्बिट में स्थापित किया जाता है, लेकिन कम्युनिकेशन सैटेलाइट को इस जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित किया जाता है। ये कुछ बेसिक पॉइंट है ऑर्बिट के बारे में। लेकिन चूंकि अभी हम बात कर रहे हैं पैसिव सैटेलाइट की, और पहला पॉइंट ही ये है, यह केवल एक परावर्तक की भांति कार्य करता है। परावर्तक शब्द से मतलब ये होता है कि जैसे सीधे लिया और तुरंत वापस कर दिया, मतलब किसी प्रकार की प्रोसेसिंग इसमें नहीं होती है। जैसे ये सैटेलाइट करता क्या है कि अर्थ स्टेशन से सिग्नल को रिसीव करेगा एज इट इज, उठा के अर्थ, पुनः अर्थ स्टेशन को जहां पे इसका डेस्टिनेशन होगा इसका, वहीं पे इसे ट्रांसमिट कर देगा सीधे, मतलब बिना कोई एम्पलीफिकेशन मॉडिफिकेशन किए हुए। जबकि एक्टिव सैटेलाइट क्या करता है, एक्टिव सैटेलाइट सिग्नल को रिसीव करता है लेकिन तुरंत उस सिग्नल का डिमॉडुलेशन करता है, फिर एम्पलीफिकेशन करता है, स्कैनिंग करता है, तमाम तरह के प्रोसेस करने के बाद सिग्नल वीक है तो उसे एक्स्ट्रा पावर भी देता है, और देने के पश्चात फिर अर्थ स्टेशन पे ट्रांसमिट करता है। यहाँ से सैटेलाइट जो है, ये यहाँ देख लेते हैं, ये जो सैटेलाइट है यहाँ हमारे सिग्नल को रिसीव किया, अपने क्या है ये डाउन लिंक के तहत अर्थ स्टेशन को ये रिसीव करवा दिया सिग्नल, मतलब ये प्रोसेसिंग का भी कार्य करता है, ठीक है। ये प्रोसेसिंग का कार्य नहीं करता, सीधे सिग्नल को रिसीव किया और पृथ्वी पे भेज दिया, और ये क्या करता है, रिसीव करता है, साथ में प्रोसेसिंग करता है, तब पृथ्वी पे ट्रांसमिट करता है, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न ये उठता है कि आप लोग जानते होंगे कि सैटेलाइट की रिपेयरिंग पॉसिबल नहीं है,
सेटेलाइट को हम लोग रिपेयर नहीं कर सकते। जब सेटेलाइट को रिपेयर नहीं कर सकते तो ये बताइए कि उसमें पावर हम कैसे देते हैं। जैसा मैंने पहली क्लास में हमारा वीडियो आप लोग पुराना देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा, और जो नए स्टूडेंट देख रहे होंगे उनको शायद ना पता हो, लेकिन जान लीजिए कि जो सेटेलाइट होता है उसमें बड़े बड़े सोलर प्लेट लगे होते हैं, और ये क्या करता है कि सूर्य से चार्ज होता है और उस सोलर प्लेट से जो है जो एनर्जी उससे मिलती है उसी से आपका जो कैमरा है, सेटेलाइट में कैमरे भी बड़े बड़े लगे होते हैं, आपके कई सारी डिवाइसेस लगी होती हैं, सारी डिवाइसेस उसी से एक्टिवेट रहती हैं और अपना सेटेलाइट भी उसी से वर्क करता रहता है। यदि सेटेलाइट का यदि हमारा जो सोलर पैनल है वो खराब हो जाए तो हमारा सेटेलाइट फिर एकदम खराब हो जाए। सेटेलाइट के सारे इक्विपमेंट भले कार्य करें, यदि सेटेलाइट को पावर नहीं मिलेगी तो निष्क्रिय हो जाएगा, फिर वो कोई कार्य नहीं कर सकता सेटेलाइट आपका, ठीक है, वो एक स्पेस में कचरा के समान हो जाता है, उसकी रिपेयरिंग भी पॉसिबल नहीं है सेटेलाइट की। तो पहला पर यह केवल परावर्तक विभाग का कार्य करता है और यह प्रोसेसिंग के पश्चात उसकी जो है उसको परावर्तित करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, ये पहले पॉइंट की बात। अब देखिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, इनमें सिग्नल के प्रवर्धन हेतु इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियां नहीं होती हैं। अब देखिए, अब जैसे ऐसा नहीं कि सेटेलाइट उठाया एक डब्बा है बस उसे भेज दिया स्पेस में, ऐसा नहीं होता है। जो सेटेलाइट है जिसे इस बात का मतलब यही निकलता है कि सिग्नल प्रवर्धन हेतु कोई इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां नहीं होती है। देखिए प्रवर्धन है तो मतलब जैसे इसमें एम्पलीफिकेशन के लिए कोई नहीं होता है, इसमें मॉड्यूलेशन प्रोसेस नहीं हो सकता है, डीमॉड्यूलेशन नहीं हो सकता है, तो उनके कम्युनिकेशन संबंधी कोई भी इक्विपमेंट नहीं होते, बस रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग संबंधी इसमें डिवाइसेस लगी होती हैं, ठीक है, इसमें प्रोसेसिंग संबंधी कोई डिवाइसेस नहीं होती है। ऐसा नहीं कि इसमें केवल कोई युक्तियाँ नहीं है, केवल एकदम खाली डब्बा है कैमरा लगा के छोड़ दिया गया, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें एम्पलीफिकेशन के लिए जैसे कोई स्कैनर कुछ भी नहीं होता, मतलब इस तरीके से, ठीक है, यह क्या करता है कि केवल सिग्नल को रिसीव किया और अर्थ पे ट्रांसमिट कर दिया। जो इसमें इतने प्रोसेस में जो डिवाइसेस का यूज होना है वही डिवाइस को सेटेलाइट को लगे होते हैं, जबकि एक्टिव में ऐसा नहीं होता है। एक्टिव में क्या होता है, इसमें प्रवर्धन हेतु इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां लगी होती है, मतलब इसमें मतलब मॉड्यूलेशन के लिए भी लगा होगा, इसमें ऑसिलेटर भी लगा होगा जिसे कैरियर को फिर से प्रोड्यूस करके उसे कैरियर की पावर यदि मतलब वहाँ पे हमारी मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेटेड सिग्नल की पावर वीक है उसे पुनः उसे एक्स्ट्रा पावर दिया जा सके, एक्स्ट्रा कैरियर दिया जा सके। डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस और मॉड्यूलेशन प्रोसेस सारे प्रोसेस एक्टिव सेटेलाइट में होते हैं, जबकि इसमें यह नहीं होता है, इसमें यह नहीं होता है, ठीक है। तीसरा क्या है, इनका कार्य केवल रिसीव किए गए सिग्नल को वापस पृथ्वी पर परावर्तन करना होता है, ये तो पहले बात हो चुका है, ठीक है, लेकिन इनका कार्य रिसीव किए गए सिग्नल का प्रवर्धन के पश्चात अर्थ स्टेशन पर ट्रांसमिट करना होता है, वो पुरानी बात है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, इन उपग्रहों द्वारा ग्राउंड पर स्थित रिसीविंग स्टेशन की ओर विकिरित पावर बहुत कम होती है। इसमें देखिए क्या होता है कि इस समय जितने भी सेटेलाइट हैं 99.9% सेटेलाइट एक्टिव सेटेलाइट होते हैं, पैसिव सेटेलाइट का प्रयोग नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि ये पुराने सेटेलाइट हैं जो इस पे इको होते हैं। इको समझते हैं आप लोग, इको मतलब जो धरती से भेजा गया लिंक होता है वो एक एक सेक्टर के रूप में एक बंडल के रूप में पहुंचता है सेटेलाइट तक, उसको हम इको कहते हैं। बाकी रडार जो मैं पढ़ाऊंगा, रडार में जो बात बताऊंगा वो रडार में इको को मैं डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि इको जो शब्द है बेसिकली रडार में प्रयोग किया जाता है। तो मैं यहाँ बोल दिया, जैसे क्या है कि यहाँ से हमने अर्थ से जो इस सेटेलाइट को मैंने सिग्नल भेजा, ये पहुँचते पहुँचते आप जानते हैं कि भाई अपना जो है पृथ्वी है, पृथ्वी पर कई सारे लेयर हैं, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आइनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। इसमें क्या होता है, एक तो उसमें आइनोस्फीयर में आयनिक गुण होता है, उसमें भी सिग्नल क्या होता है आपका धीरे धीरे उसकी उसका पावर का मतलब लॉस होता है, पावर लॉसेस होते हैं, ठीक है, तो सिग्नल एकदम वीक हो जाता है और यहाँ पर कोई प्रोसेसिंग कार्य होना नहीं, कोई सिग्नल रिसीव हुआ धरती पर ट्रांसमिट हो गया, तो इसका मतलब जो पावर होगा, जो उसका विकृत पावर, जो धरती पर विकृत मतलब रेडिएट जो सेटेलाइट सिग्नल को रेडिएट करेगा अर्थ पे, एकदम वीक होगा ये, ठीक है, वीक होगा। तो वीक पावर जो होगा तो उसमें क्या होता है कि प्रॉपर सिग्नल नहीं आ पाता था इस पैसिव सेटेलाइट में, इसलिए अब पैसिव सेटेलाइट का प्रयोग बंद कर दिया गया है, ठीक है। हो सकता है कि आपको कहीं वो पड़ा हुआ पुराना, लेकिन इसमें नया कोई नहीं है, नया जितने भी सेटेलाइट बन रहे हैं वो क्यों एडवांस सेटेलाइट बन रहे हैं, ठीक है, मतलब एक तरीके से उसमें हर तरह की व्यवस्था भी दिख रहे हैं कि चंद्रयान 2 के लिए जो है अपने इसरो ने अपना
इसको सेटेलाइट वहाँ पे सेटेलाइट भेजा था, उसका स्पेस यान भेजा था वहाँ पे। हालांकि वहाँ पे वहाँ मतलब सफल नहीं हो पाया मिशन अपना। चलिए अभी प्रयास वहाँ से इसरो अपना प्रयास कर रहा है कि फिर से कोई नया करे जो है उसमें, या वो जो अपना सेटेलाइट है वहाँ पे जो भेजा गया अपना उपग्रह है उसका, उससे फिर से वो सही कर ले, ठीक है। चलिए वो तो भविष्य की बातें हैं, होगा तो फिर वीडियो बनेगा। लेकिन एक्टिव सेटेलाइट भी क्या है, इसकी जो रेडिएट विकिरण पावर है अपेक्षाकृत इसके बहुत ज्यादा होती है। आप लोग देख रहे होंगे इस समय जो टाटा स्काई स्काई के तहत आप लोग पिक्चर उक्चर देखते हैं भाई, देखिए बादल आ गया, आंधी आ गया, ठीक है। उस समय सिग्नल यदि वीक हो जाए, खराब हो जाए, तो वो अलग बात है। लेकिन यदि जो है मतलब मौसम साफ है तो एकदम बराबर सिग्नल आता है धरती पे, समझ रहे हैं। वो इसलिए होता है कि वो उसकी जो पावर होती है वहां से वो पुनः एम्पलीफाई करके सिग्नल को धरती भेजता है। आप टीवी जैसे टीवी देख रहे हैं, आप देखेंगे कि जो आपका सिग्नल आता है वो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट आपको भेजता है, जो अपने दूरदर्शन के पास है, जितने भी प्राइवेट कंपनी वाले हैं सब उसे रेंट देते हैं दूरदर्शन को, और दूरदर्शन अपना सेटेलाइट को यूज करने के लिए देता है। जैसे कम्युनिकेशन के जो सेटेलाइट, कम्युनिकेशन सेटेलाइट वो भारत में मात्र एक कंपनी के पास है, वो है बीएसएनएल। जितने भी रिलायंस वायंस जितनी कंपनियां हैं सब उसे रेंट देती हैं, और रेंट देने के पश्चात उसे मतलब रेंट देती हैं और यूज करते हैं। तो लेकिन देखिए जो मालिक है जो बीएसएनएल वो घाटे में चलता है, जो जो मतलब किराया वाला देते हैं जो रेंट पर मतलब जो यूज करते हैं सब, वो क्या है वो प्रॉफिट में है, समझ रहे। ये एक विडंबना ही है जान लीजिए कि किराएदार अमीर हो गया और जो मालिक है जिसके पास सेटेलाइट है वो कहता है हमारे पास तो हम बीएसएनएल सभी घाटे में है, दूरदर्शन घाटे में है। कैसे घाटे में है, जितने भी जो है आपके भारत में चैनल है सब दूरदर्शन सेटेलाइट का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं ट्रांसमिशन के लिए, तो सब फायदे में है दूरदर्शन घाटे में है। चलिए ये भाई राजतंत्र है तो प्रजातंत्र, लेकिन फिर राजतंत्र ही हो गया है, ठीक है। जितने भी पुराने सेटेलाइट हैं क्या है निष्क्रिय है, और जितने भी आधुनिक संचार उपग्रह हैं सब जो है सक्रिय है, ठीक है। ये आज एक बात है, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो या कोई एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए एक्टिव पैसिव सेटेलाइट के बारे में तो पुराना वीडियो देख सकते हैं, या कुछ नए चीज के बारे में आपको जानना है तो देखिए एक वीडियो में प्रयास ये करना है कम छोटे छोटा वीडियो बने, जिससे क्या होता है कि आदमी उबे ना और आसानी से काम चला जाए। क्लास में क्या होता है एक घंटे डेढ़ घंटे आदमी पढ़ाता है उसकी क्लास की बात अलग है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि कोरोना को देखते हुए ये सब वीडियो बनाया जा रहा है, क्योंकि भाई देखिए घर से पढ़ेंगे आप लोग थोड़ा सा क्या है कि ये वैश्विक आपातकाल है, इसमें जितना सतर्क रहेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे आप, तो शासन के निर्देशानुसार ये कार्य किया जा रहा है। तो प्रयास किया जाएगा कि अच्छी से अच्छी जानकारी आपको दिया जाए, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना है, थैंक यू।